उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय नोडल केंद्र के अंतर्गत जनपद के 49 केंद्रों पर शुक्रवार को सकुशल संपन्न हुआ। दो पालियों में आयोजित परीक्षा के प्रथम पाली में जनपद में कुल 19,374 विद्यार्थी उपस्थित रहे, जबकि 2,185 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा में 19,387 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 2,172 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। नोडल केंद्र बनाए गए गोरखपुर विश्वविद्यालय ने परीक्षा की शुचिता को लेकर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट को तैनात किया था, जो परीक्षा केंद्रों का लगातार निरीक्षण करते रहे। इस मौके पर अभ्यर्थियों ने बताया कि सामान्य ज्ञान का सवाल आसान रहा तो वहीं हिंदी के प्रश्न कठिन रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षार्थी शिखा त्रिपाठी, कुमारी श्वेता, अजीत सिंह यादव, अंकिता रिमझिम, रूपम और ब्रिजेश जायसवाल और परीक्षा के प्रभारी एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, शिखा त्रिपाठी। आज कौन सा पेपर था और कैसा हुआ? बीएड का पेपर था, अच्छा हुआ। किस तरह के प्रश्न आते थे? कह सकते हैं दोनों थे, मतलब इजी भी थे और टफ भी थे। क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद अब देखिए, गवर्नमेंट सीट तो 10,000 है, तो पता नहीं, अभी तो सेकंड पेपर भी है। कुमार श्वेता। पेपर किस तरह के आए? पेपर अच्छा हुआ है, जैसे भी हुआ अच्छा हुआ है, क्वेश्चन अच्छा आया था। मेरा नाम जो हरताप सिंह यादव है। किस तरह का पेपर आया? पेपर जैसे इजी था, एकदम लो लेवल ही का, बेसिक था बस। और क्वेश्चन मान लीजिए, इसमें दो पोर्शन थे, एक जीके था एक हिंदी था। तो जीके में जैसे मान लीजिए साइंस से था कुछ, और फिर जैसे महासागर से दे दिया था, पर सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर एक पहला क्वेश्चन हो गया। फिर दे दिया था कि कॉटेज बंदरगाह कहाँ पे है, ये पूछ लिया था। ऐसे तमाम क्वेश्चन थे ऐसे ही। जी अंकिता रिमझिम। किस तरह का पेपर आया था? सर मॉडरेट था, ज़्यादा टफ भी नहीं था और इजी भी था, दोनों मिला। कौन-कौन से सेक्शन से ज़्यादा? मतलब करंट अफेयर्स से भी था और बाकी पिछले से भी था, बाकी अच्छा था। हिंदी थोड़ा टफ था, बाकी अच्छा था क्वेश्चन। रूपम। किस तरह का पेपर आया? पेपर अच्छा आया था, पर हिंदी का थोड़ा हार्ड पेपर था। किस सेक्शन में ज़्यादा टफ क्वेश्चन? हिंदी में। ब्रिजेश जायसवाल। किस तरह का पेपर आया? सर पेपर तो ठीक ठाक आया था। किस सेक्शन में टफ है? टफ है बोले तो हिंदी थोड़ा सा टफ था, लेकिन बाद जी के जैसे तो सामान अच्छा था, अच्छा क्वेश्चन था। आज बीएड की परीक्षा हमारे यहाँ थी, जिसमें कुल 49 परीक्षा केंद्र थे, लगभग 22,000 विद्यार्थी इसके लिए आज नामित थे। इस कार्य को सकुशल संपन्न कराने के लिए हम लोगों ने 49 स्टेटिक मजिस्ट्रेट लगाए थे और 25 मजिस्ट्रेट लगाए थे, जिनका कार्य था कि पेपर को सुरक्षित रूप से केंद्र तक ले जाना और वापस उनकी उत्तर पुस्तिकाएँ केंद्र पर ला करके, सेंटर पर ला करके, स्ट्रॉन्ग रूम में ला करके उसको जमा कर। तो परीक्षा शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न हो गई।